अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ भानूर उमर एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट शो बूझो तो जीतो। व्यूअर्स, आज हम हैं मॉडल टाउन लिंक रोड पे। आपको पता है लिंक रोड पे काफ़ी शॉपिंग की चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारी जो जिसे कहते हैं लोकल तो नहीं कहेंगे, बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं और लोकल चीज़ें भी हैं। मंचिंग के लिए जैसे लिबर्टी मार्केट हम जाते हैं, इसी तरह की ये भी एक मार्केट है, तो यहाँ पे भी आप ज़रूर विज़िट करें। हमने कहा कि मॉल तो हम जाते ही रहते हैं, क्यों ना आज हम मार्केट में चलें। और आज का जो हमारा सवाल है, चूँकि आज जुम्मे है, हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा लोगों से नात कलाम वगैरह पढ़वाएं और हमारा सवाल भी पूछेंगे उनसे। सवाल हमारा ये है कि वो कौन सी ऐसी सूरत है कुरान पाक की जो सबसे छोटी सूरत है। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और लोगों से बात करते हैं और ये भी पूछेंगे कि सहरी इफ्तारी में क्या खा रहे हैं और कैसे चल रहे हैं उनके रोज़े। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अयाज। अयाज क्या करते हैं? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। जबरदस्त। सवारी मिल गई अभी कि नहीं? सवारी नहीं मिल रही। सुबह से कितनी सवारियाँ मिली हैं? सुबह से दो मिली हैं। तो कितने साल हो गए रिक्शा चलाते हुए? मुझे 14 साल। माशाल्लाह। तो रोज़ा रख रहे हो? जी। वैसे ये भी एक अपना कारोबार है? जी जी। ज़्यादा सहरी में अहतमाम होता है या इफ्तारी में? ये इफ्तारी में होता है। इसमें कुछ इफ्तारी तो मुझे लगता है आपकी बाहर ही रह लेती होगी, कि घर चले जाते हैं इफ्तारी करने? चले जाते हैं। घर यहाँ पे करीब है? सेक्टर ए वन में। अच्छा, चले मुझे बताएं कि कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जो सबसे छोटी है? कुल अल्लाह अहद। नहीं, गलत जवाब हो गया। सूरत नास। नहीं, वो नहीं। क्या शेयर करेंगे, रमज़ान की रूटीन क्या होती है आपकी? सुबह से निकल जाते हैं या थोड़ा लेट निकलते हैं? 9 बजे निकलता हूँ। इतनी सुबह तो रोज़ा नहीं लगता? नहीं। अच्छा, पैगाम क्या देना चाहेंगे? पैगाम कुछ पैगाम यही है कि हमारा जो हालात है, इन्होंने जो सा ये शेड्यूल बनाया कि फ्री दे रहे आटा वगैरह राशन वगैरह, वो लाइनें बनाई हुई हैं बस। मिला है आपको अभी तक? नंबर आया तो वो कहते हैं नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा मतलब? यानी उनका वो सिस्टम ख़राब है। ख़राब। बताएं मुझे कि कोई नात वगैरह सुनाना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका अयाज, थैंक यू वेरी मच। वैसे आपने देखा सवाल का जवाब तो इन्हें नहीं आ सका, लेकिन इनकी भी यही गुजारिश है हुकूमत से कि इनके सिस्टम डाउन ना हो जाए, क्योंकि इनको भी राशन अभी तक नहीं मिल सका। चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सलमान जकी। सलमान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं आज बाहर? आज शॉपिंग करने निकले थे। ज़बरदस्त, कर ली शॉपिंग? जी, अभी परफ्यूम्स लिए हैं, सूट लेना है। सूट लेना है? ईद की शॉपिंग अभी से ही? हाँ जी, फिर दर्जी पकड़ते नहीं है ना कपड़े। हाँ, ये बात तो है, जैसे हमारे दर्जी हमारे कपड़े नहीं हमें देते ना, इस तरह मर्दों के साथ भी इशू होता है। हाँ जी, मर्दों के कपड़े तो जल्दी नहीं सिल जाते, औरतों के कपड़े होते हैं ज़रा, जिसमें कढ़ाइयाँ और पैचेस लगने हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है। कपड़े जल्दी सिल जाते हैं, लेकिन ना रश हो जाता है कपड़ों का, तो दर्जी फिर पकड़ते नहीं है, काम छुट्टी करके भाग जाता है। हाँ, ऐसा भी हो जाता है, चांद रात पे शटर डाउन करके गायब जाते हैं मुश्किल से। फिर वाकया याद है आपको, आपके साथ ऐसा हुआ? अभी तक तो टाइमली देता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, शुक्र है अल्लाह का। यानी कि आप वक्त के पाबंद हैं? जी बिल्कुल। करते क्या हैं आप? मैं एम्प्लॉय हूँ मिन हाज यूनिवर्सिटी में। अच्छा, वेरी नाइस। तो आप मुझे बताएं कि हमारा सवाल है कि वो कौन सी ऐसी सूरत है जो सबसे छोटी सूरत है? सूरह कौसर। तो सही जवाब नात सुनाएंगे? जी बिल्कुल। रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हजूर का हम पर, आने वाले अजाब टलते हैं, और अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, कि हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, और अपनी औकात सिर्फ इतनी है,
कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जित समय भी हम पे चलते हैं। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। ये शहरे मुस्तफ़ा है, ये शहरे मुस्तफ़ा है, मदीना करीम है, सबको निभा रहा है मदीना करीम है। ये शहरे मुस्तफ़ा है ज़र्फ़ लाजवाब करम बेमिसाल है, मुझ जैसा आ गया है मदीना करीम है। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जाते जाते रमज़ान मुबारक के महीने के हवाले से क्या पैगाम देंगे आप? यही देंगे कि रोज़े रखें और महंगाई ज़्यादा है, थोड़ा सा ख्याल करें, बच्चों को चाहिए, माँ बाप को तंग ना करें कपड़ों वगैरह के लिए या वैसे, और उसके अलावा नमाज़ें वगैरह पढ़ें। शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी खूबसूरत आवाज़ में इन्होंने जो है वो तिलावत की और सवाल का जवाब भी दे दिया, और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि जो माँ बाप बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते उनके बच्चे थोड़ा सा परहेज़ कर लें। पहले तो एक वक्त था कि जब तीन तीन जोड़े बनते थे, अगर अब एक भी जोड़ा बन जाता है तो उस पर राज़ी हो जाएं, क्योंकि पेरेंट्स तो बच्चों के मुंह से निकली हुई बात यूं मानते हैं कि बस जैसे उन पर लाजिम हो गया है। तो अपने हालात भी देखने चाहिए, जितनी चादर उतने पाँव फैलाने चाहिए। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद इरफान। क्या करते हैं इरफान? मैं ऑटो मैकेनिक हूँ। वेरी नाइस। मुझे बताएं कि अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं शॉपिंग करने के लिए आया था। कर लिए शॉपिंग? हाँ जी। सस्ते मिले कपड़े, महंगे मिले? मैंने बॉडी परफ्यूम लिए हैं बस। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा बताएं मुझे कि वो कौन सी ऐसी सूरत है कुरान पाक की जो सबसे छोटी सूरत है? सूरत कौसर। सही जवाब आपने दिया है। और मुझे बताएं कि नाच सुनाएंगे आप? हाँ जी। सल्लल्लाहु अलैहि कया या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुदूद ताहिरे सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताहिरे सिदरा हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्श मौला हुजूर जानते हैं।
मैं इस यकीन से निकला हूँ हाजरी के लिए, मैं इस यकीन से निकला हूँ हाजरी के लिए, मेरे सफर का इरादा, मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मौला हुजूर जानते हैं। मैं मांगता हूँ उन्हीं से मांगता हूँ, मैं मांगता हूँ उन्हीं से मांगता हूँ, वो बांटने का सलीका, वो बांटने का सलीका हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मौला हुजूर जानते हैं। हुदूद ताहिरे सिदरा हुजूर जानते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद वाला आलही वसहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद, ऐसा करीम ऐसा सखी और कौन है, ऐसा करीम ऐसा सखी और कौन है, मंगता जो आया मांगने, मंगता जो आया मांगने सुल्तान बना दिया। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद, सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए, सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए, दुनिया ते दो जहाना दे मुख्तार आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद वाला आलही वसहबिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद। पैगाम क्या देना चाहेंगे? पैगाम यही देंगे कि सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है जो रोज़ा रखें, सारे रोज़े रखें और नमाज़ पढ़ें और इबादत करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने इनकी भी नात सुनी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। रमज़ान का महीना और इस तरह की जब नात वगैरह पढ़ी जाती है तो कानों को बड़ा सुकून मिलता है। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस।
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम हैं मॉडल टाउन लिंक रोड पे। हम कर रहे हैं लोगों से बहुत सारी बातें, बढ़ते हैं उनसे और भी सवाल करते हैं जो हमारा आज का सवाल है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहसिन अली। मोहसिन, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का। आप क्या काम करते हो मोहसिन? मैं यहाँ पे टॉय सेल करता हूँ। टॉय सेल करते हो? अरे वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताएं कि क्या, कितने बजे निकलते हो, कितने बजे घर जाते हो, क्या वर्किंग आवर्स रखे हैं अपने? हम 3 बजे मार्केट में आते हैं तो रात को 12 बजे 12:30 बजे घर जाते हैं। ठीक है, अच्छा कमा के चले जाते हैं जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एक बात है कि आपको शुक्र अदा करना चाहिए हर वक्त। अच्छा बताएं कि आपसे सवाल है कि वो कौन सी ऐसी सूरत है जो सबसे छोटी सूरत है कुरान पाक में? सबसे छोटी सूरत नात पढ़ना चाहेंगे जी? नात जी। नबी आसरा हे कुल जहान दा, नबी आसरा हे कुल जहान दा, नबी दया आसरा ए माँ हुसैन दी, खतीजा आमिना ते हो आया सिया, इना दी पेशवाए माँ हुसैन दी, नबी आसरा। मरियम भी ए जान दी जिनू रब चावदावे, जबरील जेंदे बुहे ते बिन पुछया नायावे, खातून कोई यो जई सैन दी, किवे हम सर बने जेंदे कदम उते, रखे हुसैन सर ओ साहेबे हयाए माँ हुसैन दी, नबी आसरा। शास्त जहरा दलाले होपनी माँ दी वजह तो, दीने पना बे मिसाले अपनी माँ दी वजह तो, पुछता सही शन मेरे जे खाकी बंदियां कोलों, हिजाबे मुस्तफा हिजाजे मुर्तजा, निमाजे अंबिया ए माँ हुसैन दी, नबी आसरा। कर्म के आसता नेक क्या बात है, आपके आशियाने की क्या बात है, कर्म के आसता नेक क्या बात है, आपके आशियाने की क्या बात है, एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, एक घर जो मिले शहर सरकार में, फिर तो ऐसे टिका ने की क्या बात है, आपके आशियाने की क्या बात है, कर्म के आसता फातिमा अली और हुसैन हसन, फातिमा अली और हुसैन हसन, फातिमा अली और हुसैन हसन, मुस्तफा के घरा ने की क्या बात है, आपके आशियाने की क्या बात है, कर्म के आ, 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 आ,
या अली शेर खुदा, या अली शेर खुदा, या अली शेर खुदा, या अली शेर खुदा। फरमाया पाक मुहम्मद ने, फरमाया पाक मुहम्मद ने इसका पर्दा मुंह बंद करा। या अली शेर खुदा, या अली शेर खुदा, या अली शेर खुदा, या अली शेर खुदा। खंदक नूं लंघ के दामन कर मर्द कोई मेरे सामने आवे, ललकारे इसने सरवर नूं, ललकारे इसने सरवर नूं, अज हैदर नूं सबक सिखा। या अली शेर खुदा, या अली शेर खुदा, या अली शेर खुदा, या अली शेर खुदा। बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आपने जो है वो कलाम भी पढ़ा और बहुत अच्छा आपने नात भी पढ़ी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कोई जाते जाते पैगाम देंगे देखने वालों को? सबको मेरी तरफ से तो यही पैगाम है कि नमाज पढ़े, रोज़े रखें और अच्छे अच्छे काम करें। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ा ही खूबसूरत आवाज़ में उन्होंने कलाम पढ़ा, बड़ी अच्छी पिच थी। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? शाज़ीब। शाज़ीब, क्या हाल है आपके? ठीक है, करम अल्लाह पाक। रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। चले मुझे बताएं कि क्या करते क्या हैं आप? मेरा लेडीज टू पीस का काम है मैडम। टू पीस कपड़ों का? जी जी। चले मुझे ये बताएं कि क्या आप आज सुनाना चाहेंगे? और सवाल है हमारा आपसे कि वो कौन सी ऐसी सूरत है जो सबसे छोटी है? सूरत यासीन। पहले जवाब हो गया, सूरह यासीन बड़ी लंबी सूरत है। चलें सुनाएं फिर। हम क्या कहें के क्यों हमें प्यारा हुसैन है, हम क्या कहें के क्यों हमें प्यारा हुसैन है। सोचो तो ये कुरान भी सारा हुसैन है, हम क्या कहें के क्यों हमें प्यारा हुसैन है। हुर्मल तू सोचता है क्यों असगर मासूम है, हुर्मल तू सोचता है क्यों असगर मासूम है, अब कैसे डरेगा मौत से सारा हुसैन है, हम क्या कहें के क्यों हमें प्यारा हुसैन है। नेज़े पे सर बुलंद है एलान जीत का, नेज़े पे सर बुलंद है एलान जीत का, अब कह सकेगा कौन के हारा हुसैन है, हम क्या कहें के क्यों हमें प्यारा हुसैन है। मखरे रुतबे मेरे नबी दे, मखरे रुतबे मेरे नबी दे, मेरे
नबी दे अर्जुन तलवे मेरे नबी दे बकरे रुतबे मेरे नबी दे मेरे नबी दे यूसुफ वर्गे तंग रह जाते यूसुफ वर्गे तंग रह जाते तक तक जलवे मेरे नबी दे बकरे रुतबे मेरे नबी दे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कोई पैगाम देना चाहेंगे जी? क्या पैगाम देंगे? यही पैगाम है भी सब भाई नात खानी करें, नमाजें पढ़ें। रोजे में आपसे हमने नात पढ़वा दी है, रोजा लग गया आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह रोजा में। चलें बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। नात हमने पढ़वा ली है क्योंकि आज जुम्मे का दिन है, तो हमने सोचा कि क्यों ना ज़्यादा जो है वो हम कलाम पढ़ें, नात पढ़ें, ख़ुद को भी सुकून मिले, आपको भी सुकून मिले। व्यूअर्स यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं आ चुकी हूँ वापस। आई होप मैंने आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया होगा। आज की जो हमारी लोकेशन है वो है मॉडल टाउन लिंक रोड, और यहाँ पे हमें बड़े प्यारे लोग मिल रहे हैं जिनसे हम कलाम सुन रहे हैं, नाथ सुन रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? दानिश। दानिश क्या करते हो? जॉब करता हूँ स्टोर पे। स्टोर पे जॉब करते हैं, ठीक है। बड़ा काला कुर्ता पाया है, फरमाइश पे पहना हुआ है? अच्छा, वो कहते हैं ना काला पहनते हैं तो किसी की फरमाइश पे पहना जाता है, वैसे कुछ लोगों को काला पसंद भी होता है। चले मुझे ये बताएं वो कौन सी ऐसी सूरत है कुरान पाक की जो सबसे छोटी सूरत है? बिल्कुल सर, तो सही जवाब दिया आपने। और क्या रूटीन होती है, क्या करते हैं रोज़ों में? कोई वर्किंग आवर्स कम हुए हैं? नहीं, हमारे काम ज़्यादा होता है, वर्किंग लोड ज़्यादा होता है। हाँ जी, राशन वगैरह पैक करना होता है ना, पैकेज जो पैक करना होता है। ओह अच्छा, ठीक है। कोई नात वगैरह सुनाना चाहेंगे? कोई अच्छी बात करना चाहेंगे पैगाम रमज़ान के महीने के हवाले से? यही पैगाम है कुरानों का कि अपने दूसरों का भी ख्याल करें, कोई भी आम का भी, खुद अपनी जेबी पर जाए, कोई भी आम को नहीं सोच रहे कुछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। बस देखा हमारी इनसे बात हुई, सवाल का जवाब इन्होंने दे दिया, और हम चलते हैं बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जुबैर मोहम्मद। जुबैर क्या करते हैं आप? मैं वो काम करता हूँ बेदिन बाबा के। अच्छा, अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था, वो सेल कर रहा था, आप नजर आए हमें देखा तो आप यहाँ रोजे रख रहे हैं? जी रोजे। इन कैसे जा रहे हैं रोजे? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जा रहे हैं रोजे। वेरी गुड, और जाने भी चाहिए, जवान है रोजे रख सकते हैं। बताएं वो कौन सी ऐसी सूरत है कुरान पाक की जो सबसे छोटी सूरत है? वो सूरत है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह कौन सी सूरत है? मतलब वो छोटी सूरत ये है जो से भी कुरान आयत कह रहे हैं, आयत कह रहे हैं आप? हाँ, वो जोन, हाँ, नहीं नहीं सूरत की बात कर रहे हैं। सूरत का फिलहाल हमें नहीं पता। नहीं पता। कोई नात वगैरह आती है? नहीं, नात नहीं। तिलावत आती है? तिलावत नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हमारे नौजवान नस्ल को ज़रूरत है कि वो थोड़ी दीनी मालूमात भी लें, और अगर आप दुनियावी तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है बहुत सारे मदरसे भी बने हुए हैं जहाँ पर आप ये तालीम हासिल कर सकते हैं, तो ज़रूर हासिल कीजिएगा, कुछ तो हमें हमारे पास होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद अमान। क्या करते हो? तस्बीह वगैरह सेल में नहीं करते। पढ़ते भी हो खुद? वेरी गुड। रोज़ा रखा हुआ? नहीं। क्यों नहीं रखा रोज़ा? रात सहरी करके मैं सो गया। सहरी करके नियत कर लेते? नियत बांधी नहीं, यही तो यार नियत हो गई ना, जब सहरी कर ली तो रोज़ा हो गया, मतलब नियत कर लेते ना उस वक्त खा के। कितने बजे की थी सहरी? 2 बजे। क्या खाया था? नान चने। अरे नान चने मिल जा। अच्छा मुझे बताएं कि क्या सुनाएंगे आप? नात सुनाऊंगा। और सुना दें। हम वो नहीं जो हर रोज अपना मुर्शद बदलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह खा कर अली का कहते हैं हम तो, या अली तेरे टुकड़ों पे पलते हैं, या अली तेरे टुकड़ों पे पलते हैं, नाम अली का है जो लेना है जोर से, लेना है जोर से, हैदर का मुनकर है जो
गम जिसका जाने और उसका जाने, कहते गए गम तो या अली तेरे टुकड़ों पे पलते गए, या अली तेरे टुकड़ों पे पलते गए, टुकड़ों पे पलते हैं तेरे टुकड़ों पे पलते हैं, टुकड़ों पे पलते हैं तेरे टुकड़ों पे पलते हैं, या अली तेरे टुकड़ों पे पलते हैं। वक्का थैंक यू सो मच, ख्याल रखें अपना, कोई पैगाम देंगे? चलें, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आपने देखा, इन्होंने भी आज नात सुनाई और सहरी कर ली, तो सहरी आप अगर जल्दी कर लेते हैं और नियत करके सो जाएं, लेकिन नमाज भी ज़ाहिर है ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जी मोहम्मद शकील असलम। क्या करते हैं? जी मैं UMT यूनिवर्सिटी में ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय हैं, ज़बरदस्त। चाय वगैरह देते हैं? यस जी। कभी गुस्सा निकाला है किसी पे? हाँ कभी कभी हो जाता है मैम। गंदी चाय बना के देती हूँ? हाँ, जब मिस को चाय वगैरह बनाते हैं तो उनको। मिस को? सर को भी ना। अच्छा ठीक है, ऐसे वैसे करना नहीं चाहिए, गलत बात। रमजान कैसा गुजर है आपका? हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा रोजा। अच्छा गुजर है, चलें ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज क्या कहीं इफ्तारी का प्लान है? जी जी इंशाल्लाह मेरे दोस्त के घर में इफ्तारी है और माशाल्लाह वो पास ही खड़े हुए हैं और थोड़ी सी शॉपिंग। आप उनके घर उनके लिए भी कुछ लेके जा रहे हैं बस खाली आ जाएंगे? हाँ जी क्यों नहीं, वो देखे ना शॉपिंग की है माशाल्लाह। शॉपिंग की है, उनके अलावा कुछ और भी लेके जाएंगे माशाल्लाह। चलें ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्या आज आप शेयर करने वाले हैं, क्या सुनाने वाले हैं? मैम कुछ नहीं, बस पैगाम देंगे। हाँ माशाल्लाह पैगाम ये है कि माशाल्लाह रमज़ान का मंथ है और अल्लाह पाक सबको हदायत दे और नमाज दे, रोज़े रखने की और ठीक है। सवाल है कि वो कौन सी ऐसी सूरत है कुरान पाक की जो सबसे छोटी सूरत है? सूरतुल कौसर। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं और भी लोग खड़े हैं, उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? असद नाम है। असद क्या हाल है आपके? ठीक है, ठीक है। क्या करते हैं आप? बस वैसे ज़रा बाहर निकला हूँ बाजार। अच्छा, वैसे काम क्या करते हैं आप? मैं भाई प्रोफेशनल कंसल्टेंट हूँ। कंसल्टेंट है किस चीज़ के? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स, अच्छा। बताएं कि अभी शॉपिंग के लिए निकले हैं बाहर? हाँ जी। बेगम को शॉपिंग करा रहे हैं? नहीं बेगम अभी है नहीं। बेगम नहीं है? अच्छा, मुझे लगा शायद सामने आपकी बेगम खड़ी। नहीं नहीं बेगम मेरी नहीं है। ठीक है, बताएं कि रमज़ान का महीना कैसा गुजर रहा है? इफ्तारियाँ सहरियाँ एहतमाम हो रहा है, क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है, अल्लाह की बड़ी बरकत है, करम नवाजी है, बड़ा अच्छा गुजर रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। सवाल है वो कौन सी ऐसी कुरान पाक की सूरत है जो सबसे छोटी सूरत है? सूरत कौसर। बिल्कुल सही जवाब। पैगाम क्या है? किस हवाले से? रमज़ान के हवाले। रमज़ान के हवाले से आप पैगाम दे? इस हवाले से ये है कि जो भी जैसे हमारा दीन कहता है कि दरगुजर करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, तो जो भी इंसान से पहले गलती कोताही है उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए अल्लाह से, और लोगों को माफ़ करना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को ऐसे तरीके से गुजारनी चाहिए। ठीक है, वैसे ऐसा होता है ना कि सिर्फ रमज़ान के महीने में बहुत अच्छे हो जाते हैं, अच्छे अच्छे काम करने लग जाते हैं और फिर सारा साल गुस्सा भी करते हैं, नाराज़गियाँ भी दूर नहीं करते हैं। देखिए मेरी बात सुने, अगर रमज़ान को कोई बंदा सही दिल से खलूस से जो है ना, अगर मतलब सिर्फ रमज़ान के महीने में इबादत कर लेना, तो मेरा ख्याल है उसका असर पूरा साल रहता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन रमज़ान को पूरे तय दिल से जो है ना वो उसको मनाया जाए, जैसे एक मतलब खुशी का मौका है, अल्लाह ने हमें रमज़ान का महीना दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने आपको नसीब किया है रमज़ान, कुछ हमारे प्यारे इस दुनिया से जा चुके हैं जिनको अल्लाह ने नहीं नसीब किया। लेकिन बात यह पता है क्या, हम खुद जो है ना जब अपने अपने अंदर जो है ना वसी मतलब एक वसत पैदा करेंगे ना अपनी सोच के अंदर, तो फिर इंशाल्लाह सारी चीज़ें सही होती है और हर इंसान जो है ना अच्छा लगना शुरू हो जाता है, और लोगों की गलतियाँ कोताहियाँ ये माफ़ करनी चाहिए, जो है ना अल्लाह भी इस चीज़ का दर्स देता है। मुझे बताएं कि अभी तक कोई इफ्तारी सहरी का कोई इनविटेशन आया है? तकरीबन इस टाइम तक एक ही घर की है, बाकी इनविटेशन ही है सर। बाकी इनविटेशन ही है? हाँ जी बाकी इनविटेशन। तो लाहौर से ताल्लुक है आपका? नहीं मैं बेसिकली मैं एबटाबाद से बिलोंग करता हूँ। एबटाबाद से? अच्छा एबटाबाद। एबटाबाद अब बहुत बड़ा शहर बन गया, अब तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो पहाड़ी इलाका है। ज़बरदस्त और अंतहाई पाकिस्तान का सबसे अच्छा शहर में है, उसको डेवलप हो चुका है, डेवलप भी है और साफ सुथरा है, मतलब हर तरह के ब्रांड्स हैं उसमें, हर प्रॉपर हर चीज़ आपको यहाँ से। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ से जो यहाँ की जो पॉपुलैरिटी है, सॉरी पीपल्स हैं ना, लोग हैं वहाँ के, लोग जो है ना वो अच्छी मतलब यानी कि ब्रांडेड जो है ना शॉपिंग करते हैं वहाँ के लोग।
ठीक है, वहाँ की ज्यादा क्लास है, क्लास ज्यादा है, यहाँ की तो जो हर क्लास चल जाती है ना, वहाँ पे जो है ना ज्यादा की क्लास के लोग हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा, और हम चलते हैं बढ़ते आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? शरीफा बीबी। क्या हाल है आपके? कोई हाल नहीं। क्या हुआ है? आप एक रोजे वास्ते लेके आई। किधरों? राशन वास्ते सुबह भी निकली, अजे तक नहीं मिला। वो जो गवर्नमेंट राशन दे रही है वो नहीं मिला? कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं, रो रो के अखा सजा लिया, नहीं दे रहा बस, तेरे को राशन नहीं मिल जाए भाई, अल्लाह ताला दे रहे भाई। चले इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेंगे, आप परेशान इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूवर्स, राशन नहीं मिल पा रहा, बहुत सारे लोगों का ये गिला है कि राशन नहीं मिल पा रहा, तो चलते हैं बैठते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रमजाना बीबी। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। रोजे कैसे गुजर रहे हैं? रोजे अच्छे गुजर रहे हैं, गरीबा के रोजे अच्छे गुजरते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, गरीबों की भूख का एहसास होता है बाकी लोगों को भी, अल्लाह पाक को एहसास होना चाहिए। क्या पैगाम देना चाहेंगी रमजान में? मैं रमजान तो कुछ नहीं, हम खुश हैं बस, अल्लाह ताला की रहमत देख रहे हैं, खुश है। बाहर क्या कर रही हैं इस वक्त? मैं देख रही हूँ सब कुछ, लोगों को देख रही हूँ। मुझे क्यों देख रही हैं? रोजा नहीं इफ्तार करना? कर लेना इफ्तार, क्यों नहीं करना। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हम आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तलहा इजाज़। तलहा, क्या करते हैं? मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ। वेरी नाइस। मुझे बताएं कि अभी क्या इफ्तारी का प्लान है? जी इफ्तारी का प्लान है, दोस्तों के साथ आए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल है हमारा कि वो कौन सी ऐसी सूरत है जो सबसे छोटी सूरत है कुरान पाक में? सूरतुल नसर। सूरतुल नसर, नहीं गलत जवाब हो गया। बताएं कि इफ्तारी आज आप करवाने वाले हैं या दोस्तों से करेंगे? मैं तो दोस्तों के पल्ले से करने वाला हूँ। अच्छा, तो आपने भी कभी करवाई है इफ्तारी? जी करवाई है। ठीक है, क्या पैगाम है रमजान मुबारक के महीने में? लोगों के ये पैगाम है, एक महीने के लिए नेक होते हैं, वो एक महीना नहीं पूरे साल के लिए भी नेक हुआ करें, एक महीने के लिए वो टोपियां रख लेते हैं बस सर पर। तो कोई बात नहीं, लेट्स करेज हिम ना, इनकरेज हिम। ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे साल में बंदे को पूरा साल नमाजें पढ़नी चाहिए, एक महीना नहीं पढ़नी चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। व्यूअर्स, जैसे कि इनका पैगाम ये था कि कुछ लोग एक महीने के मुसलमान होते हैं और सारा साल नहीं होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि अगर पढ़ रहे हैं तो आप इसी तरह पढ़ें, आप बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे करते हुए, वरना अगर आप उनको ऐसे ताने देंगे तो उन्होंने कहना है हमारी मर्ज़ी। तो इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो इन्जॉय किया होगा। आज का जो हमारा सवाल था बड़ा आसान सा था कि वो कौन सी ऐसी सूरत है जो कि सबसे छोटी है कुरान पाक की, और वो है सूरतुल कौसर। तो हम मज़ीद एपिसोड लेकर आएँगे, बड़ी मज़े मज़े की बातें भी होंगी उसमें, आपने देखना नहीं भूलना। बुझो तो जीतो जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे, और मुझे भी फॉलो करना मत भूलिएगा, मेरा इंस्टाग्राम है महानूर कुरैशी ऑफिशियल। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।